लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ वही गाड़ी है। हाँ 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 उसी को फॉलो करो। भागा। चलिए ओ
वो भाग गया। चलो गन चलानी भी नहीं आती तुम्हें, पहली बार चला रहे हो क्या? ये देखो गन चलाए हुए काफी दिन हो गए थे। हेलो, वो जख्म पे बैंडेज लगाने से पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो ज़ाइलोकेन है ना? किसके लिए? सोच क्या रही हो, बोलो ना। वासु कहाँ है? उसे कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए है, ज़ाइलोकेन है ना? हाँ। ओके थैंक्स। मुझे देर हो रही है। ए वासु, नाश्ता रेडी? 5 मिनट और लगेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए। क्या हुआ, खराब हो गया है क्या? ए, अच्छा तो है, पी लो। मुझे सोया मिल्क चाहिए। मम्मी ने कहा है क्या? सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या ये अच्छा नहीं होता है? कहा ना खाओ, सोया मिल्क नहीं है, पहले से खाओ। कहा ना नहीं चाहिए। आई हेट दिस बुलशिट। खाने की चीज को ऐसे कहते हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुम खाओ, एक मिनट। हाँ हाँ, मैंने उस बैग को ठिकाने लगा दिया है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अपनी एक टीम जा रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं भी आ रहा हूँ। ए, तुम्हें देर हो रही थी ना, अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। ये स्पोर्ट्स ड्रेस है। स्पोर्ट? कम से कम बैठ तो ले लो। ए, गाना आ रहा हूं। पापा, पापा बोलो ना। क्या मैं स्कूल तक गाड़ी चला सकता हूँ? तब तुम्हारी माँ जाके
मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगी, मुझे उसकी गाली नहीं खानी है, कोई जरूरत नहीं। शाम को आते आते देर हो जाएगी, इंतजार मत करना। कोई नई बात थोड़ी है। बाप रे, मैं तो माँ पे गया। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरे बाप कह रहा था कि ऑमलेट अच्छा है। ए वासु, कल हम घूमने चलेंगे। मैं इस वीकेंड माँ के पास जाने वाला हूँ, आप ले जाएंगे ना? पापा को काम है बेटा, गुस्सा मत होना। मैं माँ थोड़ी हूँ। मॉर्निंग सर। क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर किसी को मार दिया गया है। शक्ल देखकर नहीं लगता कि वो अपने शहर का है। क्यों? जो बंदूक मिली है उसके पास, वो आम बंदूक नहीं है, जर्मन पिस्टल है। लेकिन वो पैसे वाला, पुलिस वाला, आर्मी, इनमें से तो नहीं लगता है वो। और वैसे भी मरने वाले आदमी के ऊपर काफी केसेस थे, मर्डर, रॉबरी, चाइल्ड अब्यूज, किडनैपिंग, ये सारे उस विठल राव से कनेक्टेड हैं। और विठल राव कोई ईमानदारी का बिजनेस थोड़ी करता है। विठल राव कौन है? वही सर जिसका पेडर रोड एरिया में नाइट क्लब चलता है, पैसे वालों को ड्रग सप्लाई करता है वो, और भी बहुत कुछ। मॉर्निंग सर, देखिए तो कौन आया है। बीवी ने देखा? वो क्या देखेगी, वो तो डिवोर्स देके चली गई। बात को समझा कर यार, वही एक डॉक्टर जो है इस समय हमारी हेल्प कर सकती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वो सब बाद में देखेंगे। बाद में मतलब? अभी हमें कहीं और जाना है। कहाँ? जहाँ सुबह गए थे वहाँ। तुम पागल? तुम्हारी वजह से। ठीक से गोली चलाना आता नहीं, सबूत छोड़कर आ गए वहाँ। पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वैसे भी ये केस कोई और देख रहा है, अपना फोन तुम वहां छोड़ा है। अरे वो चुप। अब चलो। टेंशन क्यों ले रहे, ऑफिशियल गन थोड़े ना थी। अकल के अंधे, बुलेट तो पुलिस की है ना, वो भी मेरी नहीं तुम्हारी। अरे मर गए, ये भी आ गया क्या? कौन? ये टकला, डेंजरस है, अंदर डालकर सड़ा देगा, बच के रहना होगा। उसके बगल में कौन खड़ी है, मस्त लग रही है ना? पुलिस वाले ऐसे बात करते हैं? ऊपर से वो भी पुलिस वाली। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमें फॉरेंसिक में ही संभालना होगा। चलो। कहाँ? चलो ना। यहाँ किसी ने कुछ देखा क्या? हाँ, वो उस तरह। अरे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ही बताऊंगा। सर इन्होंने कुछ नहीं देखा। हाँ? मैंने ही देखा। हाँ? है। हियरिंग एड लगा रहा है? हाँ, अब पूछिए सर। कई भैंस पानी में। यहाँ पर कितने लोग थे? कुछ देर पहले ही तो सब बताया था। किसे बताया? पुलिस वाले को। आप कौन है, प्रेस वाले हो क्या? हम भी पुलिस वाले हैं, चलो बताओ। अरे कितनी बार बताना पड़ेगा? जितनी बार इन्वेस्टिगेशन होगा तुम्हें बताना पड़ेगा, बताओ। सर एक गाड़ी में दो लोग थे। हाँ? दूसरी गाड़ी में भी दो लोग थे। हाँ? मिलाकर तीन लोग। क्या बोला, चार नहीं थे? अरे एक को तो मार दिया था ना सर, उसको गोली मारने की आवाज से ही हम सब की नींद खुली थी, समझ गए? बगल में आपके कौन है, वाइफ है? मेरा डॉग है सर, जर्मन शेफर्ड। डॉग है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, उसकी शक्ल देखी आप लोगों ने? उनके चेहरे पर नकाब था इसीलिए नहीं देख पाया सर, पर बगल वाले आदमी को मैंने देखा था। हाँ? सच कहूँ तो आप मानोगे नहीं सर, उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी थी। मर गए। वो आपस में किसी नाम से बुला रहे थे? बुला तो रहे थे सर। हाँ? मारने वाले ने उसके दोस्त को आवाज देकर कुछ कहा। हाँ? उस वक्त मेरे कान में मशीन नहीं थी इसीलिए मैं नहीं सुन पाया। एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है, तुम आगे जाओ और सोचो बैग का क्या करना है। ठीक, वो देखो आ गई। हाय। हाय। मुंबई के एनसीबी में आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पता चला आपकी ड्यूटी यहाँ है।
आपसे हमेशा मिलना चाहती थी, पर इतनी जल्दी मुलाकात होगी ये नहीं सोचा था। एक हेलो, यहाँ सिग्नल वीक है, बाद में फोन करता हूँ। हाँ, वासु को स्कूल छोड़ दिया था। हाय, मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था। सच में? हाँ। क्या? ए, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? तू उससे बात कर रहा है, दिमाग तो खराब नहीं तेरा? ए, गाड़ी में बैठ। मैंने उसे फोन किया था, उसने उठाया नहीं, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देखो, किया। देखो सुजाता, किसी बात की टेंशन मत लो, वो स्कूल गया है, आ जाएगा। टाइम क्या हुआ पता है? हाथ में वॉच है तुम्हारे? 7 बजे। मेरी बात सुनो, फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी या फिर वो फोन घर पर ही भूल गया होगा, और क्या हो सकता है? मेरे रहते वो कभी घर पर फोन रखकर नहीं गया। ओके, तुम्हारे साथ हर चीज परफेक्ट ही होती है, सही कहा ना? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। वो कहाँ है दिवाकर? तुम फोन कर रही हो, वो उठा नहीं रहा है ना? ठीक है, पुलिस से बात करती हूँ, तुम किसी काम के नहीं। प्लीज मजाक मत करो। मेरी बात सुनो, पुलिस वालों के पास बच्चों के घर न लौटने के बहुत सारे फोन आते रहते हैं, जहां भी होगा 3-4 घंटे में लौट आएगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए कॉफी मंगाओ। नो टी? ओ गॉड, ये कोई मिसिंग केस नहीं है दिवाकर, वो तुम्हारा बेटा है। ये मुझे अच्छे से पता है। ए, वेट वेट, ए स्कूल चलकर देखते हैं। सुजाता कहां जा रहे हो? पुलिस के पास। ए, ए क्या है? हे वासु, तुम कहां पर हो? दिवाकर साहब भी बात कर रहे हैं, मैं विठल राव बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? क्या चाहिए? हाँ, एक मिनट, आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है, लो पापा से बात करो। पापा ये कौन है, इन्हें क्या चाहिए? पापा ये कौन है बताइए ना, इन्हें क्या चाहिए? मैं जल्दी वहाँ पहुँचाऊंगा, तुम डरना मत। पापा पापा। हेलो हेलो। परेशान होने की जरूरत नहीं है दिवाकर, बच्चा एकदम अच्छा है। अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ क्या चाहिए? अरे आप तो भड़क गए, क्या होगा आपके बेटे को? आपके बेटे को मैंने अभी अभी वनीला शेक और सैंडविच खिलाया, बिना जाने ही आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। जल्दी से यहाँ आ जाइए, और हाँ बैग लाना मत भूलिएगा। हेलो हेलो, अच्छा अब क्या सोच रहे हो? इसमें सोचना क्या है, बैग देकर अपने बेटे को छुड़ा लूंगा। दिवाकर, इसलिए हमने इतनी मेहनत की, 3 किलो से भी ज्यादा माल है, मैंने बताया था ना मेरे सर पर काफी उधार है, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये सब देने नहीं दूंगा। ओ या, या। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। ठीक है, मुझे लगा कि 3 किलो से ज्यादा। इट्स मनी दिवाकर, इट्स मनी। ए, वहां जाके बैठ।
पैर हटा यहां से। जरा प्रॉब्लम है। नहीं, फोन पर नहीं, मिलकर बात करता हूं। दिवाकर वो बैग ले जाकर विठल को देने वाला है। मैं क्या करूं, प्लान में वो मेरे साथ था। मैंने ये भी कहा था 50% की पार्टनरशिप करेंगे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है और अब वो जाकर उस विठल को दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करते हैं, उसे गोली मार देते हैं। वो कहीं भी हो, अगर मेरे सामने आ गया ना तो उसे गोली मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। डेफिनेटली आज मैं उन पैसों से कहीं बाहर सेटल हो गया होता। सिर्फ 3 पैकेट ले लिए होते तो मैं अच्छी तरह से सेटल हो जाता कहीं भी। पागल जैसी बात मत करो। तुम्हें इंफॉर्मेशन देकर प्लान करके ही मैंने तुम्हें वहां भेजा था मनी। उसका इस केस से क्या लेना है? क्या लेना है? बहुत कुछ लेना देना है उसे। प्लान भले ही तुमने किया है, पर काम उसने किया है स्पॉट में। क्या लेना कहता है? सारी मेहनत पर पानी फेर दिया ना तुमने। मैं इस सब में हूं, ये बात उसे पता नहीं? नहीं पता। कैसे पता चलेगा? अभी तक उसे कुछ भी शक नहीं हुआ है। वो बैग लेकर वहीं पर गया होगा ना। कैसे भी हो, वो बैग मुझे वापस चाहिए। वो मुझ पर छोड़ दो। तुम और एक आइसक्रीम ऑर्डर कर लो। आगे से मुझसे बिना पूछे कोई भी चीज मत करना। ये लो, तुम इसी फोन का इस्तेमाल करना। काम खत्म होते ही सब डिलीट कर देना। सर पुलिस। सर बैग। ओके सर। या इट्स फाइन। ओके मैडम, कम इन द क्यू, लेट्स गो। ओके आई डोंट हैव एनी। आज कोई मिनिस्टर का बेटा आने वाला है क्या? ओके
सॉरी। हे चलो। हे क्या कर रहे थे तुम इतनी देर अंदर? अंदर आके देख लेते। और ज्यादा देख लेते जरूर अंदर आते। जेंट्स टॉयलेट में क्या कर रही थी ये? पता नहीं। बोलो मलिका। दिव्यम, मैं इंसोमनिया के पार्किंग में थी। मैंने वहां दिवाकर को देखा। वहां वो क्या कर रहा है ये सोचकर मैंने उसे फॉलो भी किया। मेंस टॉयलेट में उसने एक बैग को छुपा कर रखा था। मैंने खोल कर देखा तो उसमें 10 किलो से ज्यादा कोकेन मिली। व्हाई डिड यू ओपन द बैग मलिका? दिव्यम सॉरी, वो बैग कहां पर है? लेडीज टॉयलेट में छुपा दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस को तुमने बाथरूम में छुपा कर रखा है? सॉरी दिव्यम, अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, बताओ दिवाकर कहाँ है? पता नहीं, पर मैं लेडीज टॉयलेट में हूँ। ठीक है, बैग वहीं रहने दो और तुम जाकर दिवाकर का पीछा करो। यार संजय, यहाँ वेटर लोग किससे मारपीट कर रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। जरा बॉस को फोन देना। हाँ ठीक है ठीक है, रुक। नीचे किचन स्टाफ आपस में लड़ रहे हैं सर। उनसे बोलो कि मेरे सिर पे आके नाचे। ए, उनसे कहना कि मुझे 1 घंटे तक कोई फोन न करे। ए, 1 घंटे तक साहब को डिस्टर्ब मत करो। अरे यार फिर तुम ही आ जाओ। नहीं नहीं यार, हटो हटो। बैग नहीं है उसके पास। क्या सर, ऐसे ही हाथ हिलाते हुए आ गए? ये क्या है?
देखा दिवाकर, मुझे भी सिर दर्द और तुम्हें भी। बैग कहाँ है सर? मुझे मेरा बेटा दिखाओ, बैग मिल जाएगा। कैसे दिखाऊं? बच्चे को पूरा साबुत दिखाऊं या तुम्हारी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाऊं? हे हाँ, इस धंधे में न जाने कितने साल हो गए। ये देखिए, ले क्या? आईफोन है, कंप्यूटर है, एसी है, मेरा ये कोट, मेरी औकात ही बदल गई है। तुम मुझे फिर से गरीब बनाना चाहते हो? सिर्फ तुम्हारा ही परिवार नहीं है, मेरा भी तो है। वो क्या है ना, तुम्हारी बीवी एक डॉक्टर है और मेरी बीवी टेलीफोन क्लीनर। एक फोन के 5 रुपए मिलते हैं क्लीन करने के। भाभी टेलीफोन क्लीनर है, पर मुझे तो लगता था कि इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो अभी आई है वो वाली। ओ, वो क्या है कि क्लीन कर, घर पे मत बताना। सब क्लीन करने के बाद यहां तक पहुंचाऊ। पता है तुम्हारे बारे में भी मुझे पता है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। पिछले महीने तुमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, और अब वो जवान भी हो गई है। मेरे बारे में सब जानते हुए भी मेरे बिल में हाथ डाला। मुझे भी सब पता है, कौन है, कहां से आया है, मुंबई में एनसीबी, क्या बोलते हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, वहां क्या कर रहे थे और यहां क्या कर रहे हो। काम में इतना खो गए कि परिवार के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाए, पत्नी भी छोड़कर भाग गई है ना। पापा क्या बात है, मुझे क्यों पकड़ कर रखा? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, चले जाएंगे, चले जाएंगे। पापा मुझे यहाँ से ले, बेटा परेशान मत हो, 10 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। क्या बात है, 10 मिनट में चले जाएंगे? तो वासु के लिए एक मिल्क शेक और ऑर्डर कर दूं? साहब उसे मिल्क शेक नहीं, उसे सोया मिल्क चाहिए। 10 मिनट। No stag entry sir, only for couples sir. कोई और भी साथ में हो तो चलेगा सर। Sorry sir. आज कोई मंत्री का बेटा आने वाला है या खुद मंत्री आ रहा है? सारे के सारे पुलिस वाले आ रहे हैं। हेलो वासु, कहाँ है दिवाकर? वासु आ गया है, 10 मिनट में फोन करने के लिए कहता हूँ। बाय। ग्लास को यहाँ नहीं रखना है भाई। अरे मैं नया हूँ ना, मुझे कैसे मालूम होगा? एक बार बता दोगे तो समझ जाऊंगा। हेलो, हाँ एक मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। बस बस मैं पहुँच गया। हेलो मणि, जल्दी से विठल के क्लब में आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज जरा जल्दी आ जाना। जल्द से जल्द विठल के क्लब में आने को कह रहा है, क्या करूं?
ठीक है, सॉरी पुलिस। वो कह रहे तो यहां पर आ जाओ। हाँ यहां जाओ जल्दी। What the hell is he doing? अभी आ जाएगा, बैठ जाओ। मुझे मेरा माल चाहिए। मैंने कहा ना आ रहा है, बैठो ना। टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे किस बात की टेंशन में चल रहा है? टेंशन सिर्फ तुम्हें है। अगर मुझे मेरा माल नहीं मिला तो तुम्हारा शरीर धड़ से अलग हो जाएगा। भाई बाथरूम जाने का है। यहाँ बाथरूम किधर है? सर इसे बाथरूम जाना है। टेंशन क्यों लेते हो पार्टनर? हम क्या पहली बार बिजनेस कर रहे? बैठिए, ड्रिंक्स लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। लड़की बुलाओ। है कम आई नो मैं जानना चाहता हूं कि यहां कोई बैग। ओके ओके प्लीज। भाई यहां कोई ब्लैक कलर का बैग मिला क्या? सर लाइन में आओ सर। सर तुम हटो। हे कॉल द सिक्योरिटी। मैं भी सिक्योरिटी हूँ। सी स्टेप बैक। आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लैक बैग। सर यू कांट डू दैट। ब्लैक बैग? वी डोंट नो सर। सर वन मिनट। बोलिए सर। सुनो अंदर जाते समय मेरे पास ब्लैक बैग था, वो तुमने किसी को बाहर ले जाते हुए देखा? सर हम तो सिर्फ अंदर जाते वक्त चेक करते हैं। हाँ मुझे पता है, जरा याद करके बताइए, उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। आप अपने ही आदमियों से पूछिए ना। यहाँ हमारे आदमी कौन है? आपके डिपार्टमेंट की एक लेडी आपके पीछे पीछे आई थी, आप उसी से पूछ। मलिका थी क्या? एक्सक्यूज मी वन मिनट सर। सर मैं नाम तो नहीं जानता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी सर। इतनी कौन सी जल्दी है, अंदर ही जाना है ना। छोड़ रहा हूँ ना आपको, चेक तो कर लेने दीजिए।
लाइम जूस सर? नहीं मैंने ऑर्डर, रुको रुको रुको, दो, थैंक यू। नो नो एक्सक्यूज मी सर, सर यहां आना मना है, कुछ चाहिए तो बाहर वेटर को कहिए। सर आधार कार्ड दिखाने पर भी ऑर्डर आपको बाहर ही देना पड़ेगा। इसे अच्छे से देख। ओ पुलिस सर, बॉस का रूम बेसमेंट में है। चलो सर 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 सर, सर यहाँ का पगार हमको पुरता नहीं है सर, इसलिए इधर का तेल हम बाहर बेच देते हैं सर। आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। हम क्या सर, दो सर? अरे अरे थॉमस, अपना तेल वाला झोल सर को पता चल गया, इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं हमसे। सर पार्टनर है सर। सर प्लीज सर, मेरी शादी फिक्स हो गई है, अगर मेरी फोटो गांव के पेपर में आ गई तो फिर मेरी बदनामी होगी और मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। चुप रह, जो कहता हूं करता जा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके सर। ये क्या है, इसे अंदर रख। मैदे का आटा है क्या? नहीं सर, उसमें मार्जिन नहीं है, इसलिए हम उसका झोल नहीं करते। बताओ मैदे का आटा कहाँ है? वो वहां अंदर है सर। सर ये रहा मैदे का आटा। प्लास्टिक बैग बैग कुछ ऐसा पैक करने के लिए सर। हाँ थोड़े और चाहिए। हाँ देता हूँ। पैकिंग टेप है क्या? हाँ है। स्टिकिंग टेप? हाँ देता हूँ। एक ट्रेवल बैग चाहिए। तुम्हारा बैग कहाँ है? वो वहाँ है सर। सर मुझे बाहर गांव तो नहीं भेजा है ना? बकवास बंद कर। थैंक यू सर। क्या है ये सब? ये कौन है? ये चांदनी है सर। पैकेट दो। हमारे सोसाइटी एडमिन में काम करती है, बहुत ही अच्छी लड़की है सर और मेरी जान भी है। लाओ दो। नहीं सर, मेरे पास सिर्फ एक ही फोटो है इसकी। मैं पैकेट की बात कर रहा हूँ। चाकू है तुम्हारे पास? क्यों, किसी को मारना है क्या? सर वो रहा। पैकेट दो। ये लीजिए। सर 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 सर, अगर जिप खराब होगी तो रिपेयर के लिए 20 रुपए लगेंगे सर, प्लीज सर। सर यहां से एग्जिट है। Hey, barman. हाँ सर। 5 मिनट के अंदर अपने बॉस के रूम में शैंपेन की बॉटल ले आना। हमारे बॉस के रूम में? अरे हाँ यार, 5 मिनट में ले आना। Hey, exactly 5 मिनट में। पता है सर, मैं काफी साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या काफी साल से? बैग आ गया, जाओ। ठीक है सर। ए, बैग ले आया हूं ना, और क्या चाहिए? देखिए तो सही, आपके लिए कितनी दूर से गेस्ट आकर रुके हुए हैं। जय का वो टॉयलेट में है भाई। हाँ
उनसे कहो जरा जल्दी करें, बाहर पुलिस का बहुत पहरा है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है विठल राव, कोई नया ड्रामा है तुम्हारा? मुझे ऐसा पसंद नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फ्री का दारू पीने के लिए पुलिस वाले रोज आते रहते हैं। जेम्स है ना? नहीं, ये रोज आने वाले लोग नहीं है, ये नए लोग हैं जो बाहर हैं और एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं। ये कौन है विठल राव जो इतनी बकवास किया जा रहा है? मैं भी पुलिस वाला ही हूँ। पुलिस वाला? ये मुझे दे। मैं भी पुलिस वाला हूँ पर नार्कोटिक्स में, इसीलिए तो उन्हें पहचानता हूँ। वेल डन विठल राव, एक पुलिस वाले के साथ मिलकर मेरा माल उड़ाना चाहते हो, यही प्लान है ना? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ देर में तेरे आदमी आकर मुझे मार देंगे। भाई ए, कौन है? देखो जाओ, जल्दी जाओ, देखो कौन है, जाओ जल्दी भाई, जल्दी जाओ, चलो चलो, अपनी शक्ल मत दिखाना प्लीज। हे, तुम्हारे आदमी भी आए क्या? भाई वो तो अपना ही स्टाफ है। अरे वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं कब से वही बताने की कोशिश कर रहा था, आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। खोल दिया मैंने। आपने खोल दिया? ए अंदर आ जा। भाई आपने ये क्या मंगाया, इसे गैस हो जाती है। हे, कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं। ज्वाइन किए हुए 2 दिन हुए सर। रख दे। मैं देख लूंगा, चल निकाल। बैग मिल गया ना अब मेरा बेटा। जगन डील पूरी हो गई, बच्चे को छोड़ दे। यहां से फर्स्ट फ्लोर बिलियर्ड्स रूम, वहां है तेरा बच्चा। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं, 2 लोगों में से एक को मार दिया तूने, उसकी मां को क्या जवाब दूं मैं? हाँ? हाँ? ए! नाटक करता है। ए, गाड़ी निकाल, क्या ढूंढ रहा है? चाबी नीचे गिर गई। क्या हुआ भाई? उस विठल राव ने हमें बेवकूफ बनाया। क्या कह रहे हो भाई? उस पुलिस वाले से मिलकर डबल क्रॉस किया हमारे साथ, उस पुलिस वाले को छोड़ना नहीं, हमें बेवकूफ समझ रहा है क्या वो? तू यही रुक, तू आ मेरे साथ। आप किसे ढूंढ रहे सर? ये सब बातें करने का भी मेरे पास समय नहीं है। किसी से मारना क्या वो गलत नहीं है? देखो ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, इसलिए छोड़ दो मुझे। Hey!
नहीं खोलूंगा। और आप भी कोई बटन मत दबाना। इतने सालों से बिजनेस कर, अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा। नहीं भाई, अगर दरवाजा खोला तो बहुत बुरा फंसेंगे। देख रहे हो ना कैसे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है गाली दे रहे हैं। आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं और तू क्या मेरे हाथों से मरना चाहता है? अरे क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ बताओगे भी? क्या हुआ? ये ले, ये खा कर देख, और खा लो। फेस देख इसकी, फेस पसंद आई तुझे? पसंद आई तुझे? छोड़ो मुझे, I said leave me, मेरे यहाँ छोड़ो मुझे। रुक, हाँ बेटा समझ नहीं आता क्या? कम्मा मादरी, इसलिए ले आए थे तुम मुझे? Leave me, come on, help, बेटा, someone please help, चिल्ला मत, छोड़ो मुझे, चिल्ला मत, चिल्ला मत, कहाँ कुछ नहीं होगा, ब्रदर, ब्रदर, छोड़ दो इसे, just get out, चिल्ला मत, listen, sir, sir, please help me, चिल्ला मत, छोड़ो मुझे, ए, उतार, उतार इसे। क्या कर रहे हो? थैंक यू। ए, मुझे मैदे का आटा देकर तो चिकन खाना चाहता है, है? मैंने बेकरी खोलने के लिए तेरे से माल खरीदा। समझ गया मैं तुम्हारा प्लान। माल तो तुमने ले लिया, अब तुम्हें डबल माल चाहिए। एक काम करना, गांव में तेरा बाप है ना, उससे जाकर पूछना कि बाकी का माल कहां पे छुपा रखा है। मेरे बाप पे जाता है, तेरे बाप को नहीं पहचानता तू? समझता क्या है तू अपने लोग को? अरे भाई क्या कर रहे हो भाई? भाई भाई अरे भाई क्या कर रहे हो भाई? भाई मारामारी मत करो भाई, भाई भाई मत करते ना, आराम से मेरे मोहन के लिए कुछ मत। अरे क्या कर रहे हो भाई? सुनो भाई, अरे छोड़ो, भाई छोड़ो, भाई अरे छोड़ो ना भाई, अरे भाई क्या मैं गुस्सा आया लेकिन भाई को भाई भाई मत करते ना, भाई बस कर यार, बहुत हो गया, ड्रेस खराब कर दिया, ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं बोलकर, बस पुलिस वाले ने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें नहीं, मुझे भी बेवकूफ बनाया। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ जाएगा, वैसे भी उसका बे ए? हाँ? जगन को फोन कर। भाई आप दोनों के झगड़े में मेरा फोन टूट गया। हे, मेरे फोन से फोन कर, जल्दी। Are you married? What? No. Yeah. दो शादी की है? नहीं, एक ही की, एक ही, और वो भी डिवोर्स देने वाली है। तुम यहीं रहो। ओके।
वासु, इसने तुम्हें मारा क्या? नहीं पापा, जल्दी से यहाँ से चलते हैं ना पापा। चलिए। सॉरी। हेलो। हे जगत, लड़के को छोड़ना मत, उसके बाप ने धोखा दिया, पकड़ उसे। शिट। हे, रुक। देख रहा हूँ तुझे। हे, प्लीज स्टॉप इट। आर यू ओके? क्या मैं? नो नो। क्या वो आपका बेटा है? या। क्या हुआ? यू आर ब्लीडिंग। नो 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 नो। मैं एक नर्स हूँ। अच्छा? एक मिनट, आप जरा उठेंगे? अरे भाई, रुको। ए चलो रे, भाई रुको, मुझे भाई सुनो तो। हे, ये कौन है? क्या भाई, मैं कब से बोल रहा था, आप तो मेरे पास। सॉरी सॉरी, कोड देखकर कंफ्यूज हो गया मैं। सॉरी फ्रेंड्स, सब लोग बैठ जाइए, तुम बिल मत देना। सॉरी सॉरी, इनका बिल मैं दूंगा। बैठो बैठो। ढूंढो ढूंढो उसे। तुम्हें और कोई रंग का कोट नहीं मिला, इसीलिए मार खाई। चलो। स्टे। ये कार्ड कहां से मिला? आई डोंट नो। सर मेरा बैग। नहीं नहीं, वो जिप तो ठीक है। वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। वेट वेट वेट, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एंड्रिया है, मे आई? किस डॉक्टर ने स्टिच किया था? इट्स बैड स्टिचिंग। नहीं नहीं, ये मैंने ही किया है। सॉरी, आप डॉक्टर हैं क्या? बताइए ना। नहीं, मुझे लगा ही था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, वो मैंने तुम्हें अचानक किस कर लिया और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी आप कोई मुसीबत में है। वैसे भी ये जगह मेरे लायक नहीं है, हॉस्पिटल में आज दिन बहुत खराब था, एक मौत हो गई। इसे पकड़ के रखिए, थोड़ा चेंज के लिए यहाँ आ गई थी। पर यहाँ पर भी वही किस्सा, मुझे वो लड़का यहाँ लाया था, मिलने के बाद ही पता चला कि उसकी नीयत में खोट है, सब मेरी गलती है। पहन लीजिए, हो गया है। ठीक है, तुम अब वापस जाओ,
उसके साथ नहीं, अकेली. एंड वंस अगेन सॉरी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बाय. क्या आप मेरे साथ? नहीं, तुम जाओ. बट वेट. 3, 2, 1, go. आपकी हेयर स्टाइल तो अच्छी है पर ड्रेसिंग सेंस थोड़ी खराब है. रहने दो. आपके पास स्मार्टफोन नहीं है? आप चाहे तो मेरा फोन देख सकते हैं. मेरे फोन पर सारे फीचर्स हैं और ऊपर से व्हाट्सएप कॉल फ्री है. एक बार मेरा फोन दीजिए, बताता हूँ. क्यों, अपने बाप से बात करने के लिए? नहीं, फ्रेंड्स के मैसेज आए होंगे, गर्लफ्रेंड्स के भी. सिर्फ फोन दिखाना चाहता था. और मेरी भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं. मैं भी स्कूल और कॉलेज जा चुका हूँ, सब पता है मुझे. इसलिए तू मेरे को मत सिखा. पढ़े लिखे होते हुए भी ऐसा काम क्यों कर रहे हो? क्यों, अपने बाप से बोल के मुझे पुलिस मिलेगा? भैया छोड़ दो ना प्लीज. छोड़ता हूँ. बॉस का फोन आने दे, छोड़ दूंगा. मुझ जैसे लड़के को तुम्हारे बॉस ने पकड़ कर रखा है, शर्म नहीं आती? तेरी जुबान बड़ी कैची की तरह चलती है, यही गला दबा के मार दूंगा, समझा? किसी से डर कर मैं चुप नहीं बैठूंगा. मैं क्या तुम्हारी तरह क्रिमिनल हूँ? एक और लफ्ज भी निकालो ना तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा. किसी के बारे में टेंशन मत ले, चल ड्रिंक ले, ड्रिंक ले. ठीक है सर. क्या है सर, वो हमारे खिलाफ गवाही देने वाला है ना? डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा. मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा. आप ऐसा कहकर मुझे तसल्ली दे रहे हैं बस सर, पर पता नहीं क्या होने वाला है. अरे तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, सच कह रहा हूँ. मुझे इन सबसे बहुत डर लगता है सर. आज सुबह MG रोड के हाईवे पर एक आदमी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी. आसपास के सूत्रों से जानकारी लेकर पुलिस इस केस की पूरी तरह से छानबीन में लगी हुई है. अरे यार, तुमने वो फिल्म देखी कि नहीं? हाँ, चुप क्यों हो, बता क्यों नहीं रहे? अब नाम बताइए सर. नरेंद्र शुक्ला सर. अरे तुम्हारा नाम किसने पूछा? दंड पानी जी. अरे मेरा नाम नहीं, फिल्म का नाम बता. घटोत्कच फिल्म है. घटोत्कच फिल्म देखी क्या? नहीं देखी ना. अरे रिलीज ही नहीं हुई, कैसे देखोगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम भी ना एकदम एक्टर लगते हो और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो. एक काम करो, तुम एक मूड बनाने वाला गाना गाओ. मूड बनाने वाला अकड़ क्यों रहे हो? अरे अकड़ तुम रहे हो और सब मुझे कहते हैं कि मैं अकड़ता हूँ. अच्छा ये बताओ, तुम हो कौन और तुमने क्या उखाड़ लिया? अरे तुमने कुछ उखाड़ा है क्या? रिलीज होने वाली फिल्म घटोत्कच पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है. अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? सर सर सब लोग धरना दे रहे हैं और सारे सिनेमा हॉल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी. लोगों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. वो चाहते हैं कि उनके पैसे सिनेमा थिएटर वाले उन्हें वापस लौटा दें. लोग सिनेमा थिएटर्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि सिनेमा घरों के बाहर लोगों ने भारी मात्रा में भीड़ जमा कर दी है. ऐसे आने के बाद कोई वापस करता है? एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ के मेंबर हैं. सुनो मैडम, हम बात कर रहे हैं ना, तुम जाओ जाकर फोन अटेंड करो, जाओ. क्यों साहब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेंबर नहीं है? आपको मैं मेंबरशिप दिला सकता हूँ. बादाम, नट्स, बिस्किट्स, ब्रेड सब है. दूध है, पाउडर दूध चाहिए? सोया मिल्क. हाँ सोया मिल्क है, मैं लाती हूँ. देखिए मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको मेंबर बना सकता हूँ. मैं आपसे ही कह रहा हूँ. हाँ सर.
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ सोया मिल्क है, जाकर उसे दे दो। आज इधर बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है सर। जस्ट सुनो, इसमें और डाल दो। यस सर, व्हाट डू यू वांट? कुछ भी डाल दो सर। आप मेरे साथ एक ड्रिंक लीजिए ना सर। अरे सर सुनिए ना सर, एक ड्रिंक लीजिए ना सर। आप क्यों? अरे अरे क्या कर रहे हो? तू गिर गए। ए जल्दी खोलना। अरे कहां पर गए? ए जब देखो फोन बज रहा है, साइलेंट पे डालो। मेरा फोन कहां बजा? आपका फोन चेक कीजिए। हेलो हेलो, वासु कहां है? तो मेरी बात करवाने वाले थे ना? हाँ कराता हूँ, वो घर पर ही है। घर पर है? उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? और तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? जोर से नहीं बोल सकता, वो सो रहा है। तुम्हारी उससे सुबह बात करा दूंगा। हेलो हेलो, बासु तुम डरना मत, मैं बस आ ही रहा हूँ। कब से आ रहे हो सर? एक काम करो, आराम से आते रहना, तब तक मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े कर देता हूँ। देखो विठल राव, टेंशन मत लो, उनको रोक कर रखो बस। तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। बैग साथ लेकर आओ, वरना एक बड़ा सा बैग लाना अपने बेटे के टुकड़े ले जाने के लिए। मैं आ रहा हूं ना। We'll be right back.
मणि तुम कहाँ हो? यहीं बिलेट्स रूम में। तुमने विटल को बैग दे दी क्या? नहीं। तो बच्चा? उन्हीं के पास है। जहां भी जाता हूँ मलिका मेरा पीछा कर रही है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? ठीक है ज्यादा बात नहीं कर सकते, एंट्रेंस के पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। सर मेरा उससे कोई संबंध नहीं। प्लीज मैडम हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। पुलिस वाले आजकल यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं क्या? एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो। आजकल तो लड़कियां भी हीरो बन गई हैं, है ना? वो स्टोर रूम है। क्या कर रहे हो? पीछे हटो। ये चल क्या रहा है? ओपन इट। बताओ बैग कहाँ? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बैग तुम्हारे पास ही है, बताओ कहाँ है? बताओ। पता नहीं। हैं? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा बहुत हार्ड होगा। दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, मैं भी तुम्हारे डिपार्टमेंट का ही हूँ। तो क्या तुम्हें पता है मैं कितने सालों से अंडर कवर ऑपरेशन में हूँ? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, पागल। वो फ्लाईओवर पर कार अटैक, वो सब मेरा ही रचा हुआ है, पता है? मणि न जाने कैसे उन लोगों के साथ मिल गया, और मणि ने ही मुझे खबर दी कि विठल राव ड्रग्स की बहुत बड़ी डीलिंग करने वाला है, और हमारे ऑफिस में से ही कोई उसकी मदद कर रहा है। उस आदमी को पकड़ना हमारा मकसद है, लेकिन अभी मुझे बैग चाहिए, बैग। मुझे यकीन नहीं है, ये बताओ आपको ये किस किसने दिया? वो सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इस मिशन में कामयाब होने के लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए। टेल मी बैग। तुम बिल्कुल पागल हो, ये बताओ बैग क्यों चाहिए? क्यों जानना है तुम्हें क्यों? शादी टूट गई, मेरी पत्नी छोड़कर जा रही है, और तुम पूछ रही हो क्यों? मुझे मेरा बेटा चाहिए, और उसके लिए बैग। बेटा? हाँ, विठल राव ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, और बैग के बिना उसे छोड़ेगा नहीं। सो टेल मी। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। मुझे नहीं पता। नहीं पता? आ, 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 आ,
सच में तुम्हें नहीं पता? नहीं। टॉयलेट में तुमने जहां रखी थी वही है, लेकिन लेडीज टॉयलेट में, सबसे पहला वाला। मैं सच कह रही हूं, कि आपको बताया कि वो कहां हो सकता है। मैंने हर जगह ढूंढा, कोल्ड स्टोरेज में भी ढूंढा, मैंने कहा वहां पर मतलब नहीं जा सकते, फ्लोर पे भी नहीं है। सर सर रुके, मतलब ये पुलिस वाला नहीं है। प्रकाश बंद कर। सर ए जाओ जाओ। सॉरी सर। आईडी तुम्हारे पास कैसे आया? हेलो पापा, वो टॉयलेट गया है, मेरा फोन टेबल पर ही भूलकर चला गया। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। पापा उसने मेरे खाने को लात मारकर गिरा दिया। पापा आप कहाँ हो? मैं यही किचन में हूँ बेटा। ओके किचन में जल्दी आओ ना पापा, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा तुम डरो मत,
तुम बस उसकी आंखों में मत देखना, ठीक है? पापा, ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सब लोग मेरी, तुम मेरी बात सुनो, अभी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, जानते हो ना? ये बात पहले क्यों नहीं कही पापा? क्यों नहीं कही पहले पापा? पापा, हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ बेटा। अपनी माँ की तरह मुझे परेशान मत करो, कहा ना मैं आ रहा हूँ। भाई, आपका प्लान सक्सेस हो गया। जैसा सोचा था, उसने अपने बाप से बात की। उसका बाप किचन में है। पार्टनर, किचन। क्या कर रहे हैं सर? सब बाहर आइए आप। एक मिनट, एक मिनट। क्या है सब? रुको रुको, वो रहा मेरे पास। सर सर, ऐसे करते मत कीजिए यहाँ पर। सुनो, कुछ होगा नहीं। अरे, टेबल के अंदर घुसे हुए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे वहाँ पर। सॉरी लेडीज, प्लीज सिट डाउन, बाहर चल के झगड़ा। ओके ओके, मणि, यहाँ हर जगह पर उसके आदमी है, तो अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। अंदर कैसे ना जाऊं? तुम्हें पता है ना कि अंदर मेरा बेटा है, और मुझे बैग का भी पता चल गया है। तुम्हारे पास गन है क्या? हाँ, गन तो है यार, पर अंदर कैसे जाओगे? इतने सारे लोग हैं वहाँ पर। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे पहले हॉस्पिटल चलते हैं यार। नहीं जा सकता, अभी वक्त नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। बात मानते क्यों नहीं हो? मेरा बैग लेके आ, वो कहीं नहीं गया होगा, अंदर ही होगा। आओ। ए, फोन साइलेंट रख। सॉरी यार। ए! मणि, मणि ठीक हो? हाँ ठीक है। मणि, मणि, आर यू ओके?
मुझे पता चल चुका है मणि, उसी ने मुझ पर हाथ उठाया था, उसे किसी भी तरह मारना होगा। अपने बॉस से कहो कि वो फौरन पार्किंग में आ जाए, कहना माल का पता चल गया है, और कोई बकवास की तो। हेलो भाई, भाई जल्दी से पार्किंग में आ जाओ। क्यों, क्या हुआ भाई? पेट में गुड़गुड़ है, तो जा। ठीक है, पता लगाओ जल्दी, कहाँ है वो? किसी को बोलना मत, अकेले आना भाई। बोल। माल कहाँ है मुझे पता है भाई, अब छोड़ दो। हे, रिंग बना। एक मिनट भाई, जरा तू क्या खड़ी खड़ी अंदर जा रहा है? जल्दी कर यार। भाई यहाँ दूसरा टॉयलेट है क्या? बाहर जा, बाहर जा बोला। मुझे उस रूम में लॉक कर दिया उसने। उसने ये भी नहीं सोचा कि बेचारी नाजुक सी लड़की है सर। ए। क्या तुम ठीक हो? नहीं, तीनों के बीच क्या हो रहा है? मैं देखे आटी के लिए इतना झगड़ा। अरे चुप रहे, ये संजय भी फोन नहीं उठा रहा है। नीचे रखो वरना इसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। ठीक है, पीछे। मेरा बेटा कहाँ है? एक मिनट, तू इसकी खोपड़ी उड़ा दे, मुझे क्या है? तेरे बेटे से मेरा क्या लेना देना? मारना तो इसे मार। इसकी तो ए पुलिस, मार उसे, मार दे उसे। ए, क्या रे, तुम दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हो है? इस कमाई से तो अच्छा है कि तेरी बेटी का धंधा। डाउन, रिलैक्स है। भाग गया? नहीं, अभी भी गाड़ी यहीं है।
थोड़ी देर पहले आ गए होते तो शायद बचा सकते थे। वो बैग कहाँ है? ए? आज कोकेन तेरे बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ है बैग? इस बार गोली सिर के अंदर घुसे। बताता हूँ कहाँ है। लेडीज टॉयलेट में। चल वही चलते। चल चौबीस घंटों में तीन लोग मर चुके हैं। उस दिवाकर को नहीं मार गिराया तो न जाने और कितने लोग मर जाएंगे। उसके बेटे को विट्ठल राव ने किडनैप करके रखा है। वो कहता है कि वो किसी अंडरकवर ऑपरेशन में है। मणि ना जाने कितने सालों से इलीगल काम कर रहा है और हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसे पकड़ने का ही उसके मिशन का असली मकसद है, उसने कहा। लुक मल्लिका, मैं पिछले 15 सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। बेईमान पुलिस वाला हमेशा बचने के लिए यही बहाने ढूंढता है, अंडरकवर के नाम पर बचकर निकल जाता है। जिसके पास 10 किलो कोकेन है उसने तुम्हें अंडरकवर कहा और तुमने मान लिया। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। Excuse me, this is ladies' toilet. Hey, yeh ruk. Hey, hello. What the hell? This is ladies' restroom. I'm owner. So what? Will you please get out? Ladies' toilet mein kaise aa sakte hain? Toilet. Nonsense. ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? लगता है नहीं और कहीं जगह नहीं मिली। समझ में नहीं आ रहा भाई किधर चले गए। भाई भाई ये क्या हुआ? आप टॉयलेट में कैसे गिर पड़े?
लेंगी? नहीं अब कुछ नहीं। Enjoying? मैंने कहा ना मैं उनके पैसे वापस नहीं लौटाऊंगा। अरे सर आप सर शांत रहिए, शांत रहिए। माही, माही, ये क्या है माही? पापा, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। Shut up! You all right? हाँ। इसे पकड़ो। Shut up! Very good, पकड़ो इसे। थोड़ी देर में निकल जाएंगे, घबराओ मत। पापा फोन।
Hey, बाहर निकल, बैक कर। Hey, बैक कर, खोल देखी, देखी खोल। Hey, मिल गया। इसमें मैदा या आटा तो नहीं, है? Hey! बैग मेरे को दे दो, विठल राव। पुलिस, अपनी गन नीचे रखो। गन नीचे। गन फेंको। मैंने कहा फेंको। पापा, क्या हुआ है आपको? इस फोन में मणि का नंबर होगा। नहीं, लास्ट कॉल नंबर देखो, सबसे ऊपर उसी का नंबर होगा। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन उठाओ। मेरा फोन नहीं मैम, आपका ही फोन है। मैं दिवाकर बोल रहा हूं मल्लिका, तुम पर हाथ उठाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। तुम्हारे पास इस समय मणि का फोन है, उसे एक बार खोलकर देखो, सारी बातें अपने आप समझ जाओगे। बाय। उसी ने मुझ पर हाथ उठाया था, उसे किसी भी तरह मारना होगा। बिना पीछे देखे गाड़ी चलाओ। सर, जैसा कहा वैसा करो। गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत कर रहे हो। मलिका, फोन दो मुझे, फोन मुझे दो, मुझे दो। कहाँ? Oh,
सर चलो सर आप ठीक है ना? चलो ठीक है। देखो गाड़ी में कोई और तो नहीं है। दिवाकर सबको मार कर यहां से भाग गया है। आज जो कुछ भी हुआ अपनी माँ या दोस्तों को मत बताना। यस पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जा। कुछ नहीं होगा। नहीं उन्हें। आई नो हिम। रिलैक्स। हाँ इट्स ओके। पापा को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। ओके ओके। फोन करने का था ना, फोन क्यों नहीं किया? माँ कहाँ हो तुम? तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, पापा को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में पहुँच गए ना, हॉस्पिटल वाले उन्हें देख लेंगे। माँ पापा को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर तुम आओगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मैं मोबाइल वैन 367 से बोल रहा हूँ सर, यहाँ एमजी रोड पे कोई बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए आ रहा है सर। उसका पीछा करो। हमने ओवरटेक करने की कोशिश की सर, पर वो बचकर निकल गया सर, लगता है एक्सीडेंट होगा सर। पकड़ेगा क्या? भारा ना। अरे भारा आजा आजा, मैंने कहा भारा, तो पूरा फंस गया तू, मुझे पकड़ेगा।
आगे आया ना तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जितना बोला है उतना सुन, चल निकल इधर से। ठोकू क्या इसको, भाग यहां से, भाग यहां से, चल भाग। ओके okay.